तो फ्रेंड्स, ये उधर है हमारा ट्यूबवेल, वहाँ से पूरा फ्लड इरिगेशन से पानी आ रहा है। ये मेन लाइन है समझो, और इसमें अभी देखो कटाया भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे लग गया है। इधर उधर से पूरा फुल नाइट चला हुआ है। तो एक बोलते हैं ना, पानी रास्ता कहीं से भी बना लेता है, वही है। तो कुछ कुछ जगह यहाँ पे लगाया था किसी में, बाकी पूरे में अपने आप ही ये जो है अपना पानी पूरा लेबल हो गया है। तो यहाँ पे देखो, अभी फर्स्ट टाइम मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, वाटरिंग किया हुआ है इसको पिट बनाने, ये बनाने के बाद जो है ट्रेंच, तो काफ़ी मूव होने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पूरा मिट्टी एकदम सॉफ्ट है। अभी यहाँ पे हमने कुछ रखा हुआ है, उसको हम लेने जा रहे हैं। ये देखिए उधर बैठे हुए हैं बकुले, ये देखिए पूरा लग तो गया है। ये अभी अभी हमने इसको प्लांट्स को कल ही प्लांट किया है, और इसलिए हमने सोचा आज फिल कर दे तो थोड़ा प्लांट सेट हो जाएगा। तो क्योंकि मिट्टी बहुत ड्राई थी जब हमने लगाया, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या है कि प्लांट आया और एक्साइटमेंट में पूरा भनाभन जो है, और आदमी भी जो है एक साथ थे, तो अब यूटिलाइज करने के लिए अब जो भी है हमने लगा डाला इसको। तो ये है प्लांट्स। व्हाट, अरे बाप रे मेरा, ये तो इसमें मैंने मार्किंग के लिए वो रखा था लाइम, लग रहा है ये तो गया, ये तो डूब गया। देखते हैं यूटिलाइज करने भर का बचता है कि पूरा फिल हो गया। अरे बाप रे बाप, बाप रे, ये तो चूना का बन गया जो है पत्थर। चलो देखते हैं, ये देखिए पूरा वाटर आ गया इसमें। प्लांट्स को दे देंगे कैल्शियम, ये मैं रिटर्न जाऊंगा।